गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्वीट पांडा। सो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। सो घूमने के लिए आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी जू रोड। और जू रोड हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा मेरे वीडियो देखने से। पूरा वीडियो देखिए और अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। आप लोगों का प्यार आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए ताकि मेरा चैनल बहुत आगे जा सके। सो प्लीज गाइस आप लोग मेरा वीडियो देखिए। सो चलिए आप लोग मेरा वीडियो अब देखिए। टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आज गुवाहाटी में बहुत भीड़ है, नहीं पता क्यों इतना भीड़ है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ आज। सो देखिए आप लोग। सो गाइस आज गुवाहाटी में बहुत ट्रैफिक जाम है, नहीं पता क्यों है। बहुत पुलिस का गाड़ी भी घूम रहा है, क्यों नहीं पता। सो गाइस इधर तो पूरा भीड़ है, आप लोग देखिए एकदम। हम लोग अभी फंस चुके हैं ट्रैफिक में, अभी नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है। सो गाइस ये है स्ट्रीट झा। तो इधर में बहुत कुछ मिलता है खाने को, मिठाई भी बहुत टेस्टी है, डोसा वगैरह बहुत ही टेस्टी है। और ये है डे आउट, ये भी अच्छा है। आप लोग कभी हाथीगांव आओ तो इधर जा सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा है ये। सो गाइस ये है दिसपुर सेक्रेटरी का जगह और ये है क्लॉक टावर। सो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही साफ सुथरा है ये प्लेस। गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा लगता है यही प्लेस। और एक प्लेस है वो है जू रोड जो हम जा रहे हैं। सो चलिए, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब लाइटिंग। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह। सो ये कौन सा वाला था मुझे याद नहीं है, क्या है और दिसपुर का साइड है वो। बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइटिंग की वजह से। दिवाली की वजह से बहुत लाइटिंग वगैरह किया था। सो अभी भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देखिए। सो गाइज आप लोग देखिए ये है गुवाहाटी का ट्रैफिक। तो अभी हम ऐसा लग रहा है बाराती में हैं, अभी जा रहे हैं लड़की के घर में। सो बहुत ही ट्रैफिक है, नहीं पता कब जाकर हम पहुँचने वाले हैं हमारा डेस्टिनेशन में। सो चलिए देखते रहिए मेरा वीडियो। ये है गणेशगुड़ी का मार्केट। सो इधर बहुत अच्छा अच्छा मेखला चादर मिलता है। सो जो लोग बाहर से हो, जो लोग असम का जो मेखला चादर है पहनना चाहते हो, सो वो लोग अगर गुवाहाटी आओ तो गणेशगुड़ी आ सकते हो। इधर बहुत अच्छा अच्छा मेखला चादर मिलता है। इधर छोटा मोटा सा दुकान है, बहुत मार्केट है, आप लोग देखिए बहुत ही बहुत कुछ मिलता है। गणेशगुड़ी मेन सेंटर है गुवाहाटी का, मतलब मार्केट के लिए मैंने सुना है, मुझे भी उतना नहीं पता। तो आप देख सकते हो इधर गणेशगुड़ी मार्केट लिखा हुआ है। तो गाइस ये है मेखला चादर का दुकान। इधर बहुत रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिलेगा मेखला चादर को। ना सॉरी, रिजनेबल प्राइस का नहीं, लाइक 3-4 thousand तो लगेगा ही एक अच्छा वाला अगर लो, नहीं तो और यूज लेने से भी तो और भी ज़्यादा प्राइस मिलेगा आप लोगों को। सो आप लोग देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। तो ये गणेशगुड़ी का बहुत पुराना वाला मार्केट है। तो अभी हमने ब्रिज पार कर लिया, मतलब ब्रिज का नीचे से अभी जा रहे हैं हम। तो ये कौन सा वाला जगह है, सो अभी जा रहे हैं हम जू रोड के रास्ते में। तो बहुत ट्रैफिक है, इधर भी बहुत भीड़ है। ओके स्पेनिश गार्डन। ओके तो अभी हम जा रहे हैं जू रोड। और जू रोड बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है जू रोड। और बहुत एक्सपेंसिव भी है, इधर का फ्लैट वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जू रोड में पानी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। ये भी एक फ्लैट है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब VIP वाला फ्लैट भी है और प्राइस भी बहुत, मतलब रेंज बहुत ह्यूज है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत है जू रोड, वैसे बहुत स्टैंडर्ड लगता है, मुझे बहुत पसंद है। सो आप लोग भी देखिए। अभी हम जाने वाले हैं कैफे में, सो आपको दिखाते हैं कैफे वो कैफे। तो बाहर से तो अच्छा ही लग रहा है, अंदर से भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम। सो गाइस ये है पिज़्ज़ा ब्रिज, इधर हम जाने वाले हैं आज, कैफे है ये। सो आप लोग देखिए। गाइस
गाइस अंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि बाहर से उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा क्या छोटा मोटा सा होगा, लेकिन अंदर का कुछ अलग ही माहौल था। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है इधर जाकर। इधर का मतलब वेटर लोगों का बिहेवियर भी इतना पोलाइट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। गाइस मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छा लगा। मतलब गुवाहाटी में जो जो हो एक बार जरूर आना। पिज़्ज़ा ग्रिल में बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, और खाना भी बहुत टेस्टी है। छूट नहीं बोलने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों का गर्लफ्रेंड है जरूर एक बार आना, गर्लफ्रेंड को लेकर फ्रेंड को लेकर बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। सो अभी के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ये है गुवाहाटी जोरो तिनियाली में, बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से नहीं लगता है इतना अच्छा, अंदर मतलब इंटीरियर होगा, सीट कैपेसिटी होगा, बैठने में भी इतना अच्छा लगेगा, मतलब माहौल ही कुछ अलग ही है। सो प्लीज़ आप लोग एक बार जाओ, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। जीएफ को लेकर जाओ, दोस्त को लेकर जाओ, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। सो मैंने बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी करोगे। तो गाइस हमने ऑर्डर किया था स्पाइसी फिश फिंगर और बर्गर और कॉफ़ी। सो स्पाइसी फिश फिंगर बहुत ही मतलब एकदम फ्रेश और बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग जाने से एक बार प्लीज़ स्पाइसी फिश फिंगर ज़रूर टेस्ट करना। अभी हम निकल चुके हैं, सो रिव्यू नहीं कर पाए क्योंकि उधर गाना वगैरह था। अभी वो वाला गाना अगर मैं दे दूँ तो कॉपीराइट बन जाएगा। सो आप लोग घर जाकर मैं रिव्यू देने वाली हूँ, कैसा था, कैसा लगा जाकर मुझे। वैसे बहुत ही अच्छा लगा। सो खाना खाने का भी मैं रिव्यू दूंगी। सो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहे। सो गाइस ये है जोरो तिनियाली। सो ये है जोरो, बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं चलते चलते आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला होटल बहुत ही खूबसूरत है। सो जो लोग बाहर से आने वाले हो कभी गुवाहाटी, सो आप लोग देखिए बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। मैं तो गुवाहाटी का ही हूँ, द गुवाहाटी एड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। अगर बाहर से कोई आने वाले हो तो इधर ज़रूर अब रहना एक दिन के लिए। मैं तो गुवाहाटी का ही हूँ, सो इस वजह से मैं तो रह नहीं पाऊँगी। तो आप लोग आने से आप लोग रहना, बहुत खूबसूरत है। सो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ये डीजा व्यू कैफे जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका जो मेनू है वो भी बहुत अच्छा है। प्लस मैंने जो खाया था फिश फिंगर वो भी बहुत टेस्टी है। बर्गर ठीक ठाक था लेकिन वो फिश फिंगर बहुत ही टेस्टी था, पेरी पेरी वाला, स्पाइसी पेरी पेरी वाला फिश फिंगर बहुत ही अच्छा था। सो आप लोग जो गुवाहाटी से हो प्लीज़ जोरो तिनियाली में है ये डीजा ब्रिव। सो आप लोग जाओ तो इन्जॉय करो, और जो लोग बाहर से कभी अगर गुवाहाटी विजिट करो तो ज़रूर जाना एक कैफ़े में। बाहर से बहुत ही सिंपल है लेकिन अंदर से बहुत ही सुंदर है। इसका इंटीरियर भी बहुत सुंदर है और मतलब वेटर भी बहुत अच्छा है, पोलाइट बिहेवियर का। तो अगर आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए टाटा बाय बाय।